गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो है ये हमारा रहेगा, कौन से टॉपिक्स का जो हमने पढ़े थे, मोमेंटम, इम्पल्स, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो इन टॉपिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, आप सब मेरे साथ साथ उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ये, तो इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है, कुछ कंफ्यूजन है उसको क्लियर कीजिए। तो क्या है, अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग एट ए स्पीड वी कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 3m एट रेस्ट। द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर द कोलिजन, द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। क्या कह रहे हैं कि एक बॉल है m मास की, ठीक है, जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, और एक और बॉल है जो कि 3m मास की है, ये रेस्ट पर है। अब क्या कह रहे हैं, टकराने के बाद लाइटर बॉल रेस्ट पे आ जाती है। दिस लाइटर बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, और हैवियर बॉल चलने लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मान लो इसकी स्पीड हो गई कुछ वी डैश, ठीक है, समझ आ रहा है। तो पहले लाइटर बॉल चल रही थी, हैवियर वाली रेस्ट पे थी, टकराने के बाद लाइटर बॉल रेस्ट पे आ जाती हैवियर चलने लगती है, मान लो उसकी स्पीड है वी डैश। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 3mv-, ये फाइनल मोमेंटम हो गया हैवियर बॉल का, लाइटर का तो जीरो ही है। इनिशियली हैवियर बॉल का जीरो है, लाइटर बॉल का कितना है mv, तो m से m कट गया। तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट v- इज इक्वल टू v/3, ये v- आ गया। अब e की वैल्यू बतानी थी, तो e क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कब देखते हैं, आफ्टर कोलिजन, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये कब देखते हैं, बिफोर कोलिजन। तो सेपरेशन के बाद देखो, एम वाला तो जो एम वाली बॉल थी रेस्ट पे आ गई, 3m वाली वी डैश से चल रही है, तो यही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी वी डैश। और टक्कर से पहले जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी के बराबर है, तो ये आ जाएगा, तो वी डैश अपॉन वी इज इक्वल टू 1/3। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, सो करेक्ट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज। ओके, सो इस तरह से हमें इसको करना है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की इक्वेशन यूज करनी पड़ती है ऐसे कोलिजन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये हमने उसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए। चलिए, तो ये भी सिंपल सही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज शॉट फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 kg, द मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 500 m/s, द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन इज, क्या होगा। तो एक मिनट, मैं यहां बता देता हूं पहले, फिर सॉल्यूशन देख लेंगे हम। तो क्या कह रहे हैं कि गन जो है, ठीक है, तो ऐसे हम मान लीजिए गन है, तो गन की का मास कितना है 5 kg, और बुलेट जो है उसका मास है 5 ग्राम। अब बुलेट को फायर किया, तो बुलेट की जो मजल वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया गया, 500 m/s। अब वही है कि इसके पास एक रिकॉइल वेलोसिटी आएगी, क्यों आएगी, वही कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अगर बुलेट को आगे की तरफ मोमेंटम ट्रांसफर हुआ तो गन पे पीछे की तरफ मोमेंटम ट्रांसफर होगा, इसलिए जब बुलेट वगैरह फायर करते हैं तो क्या लगता है, एक झटका सा लगता है, ठीक है, तो वो इसी कारण से लगता है क्योंकि हमने बुलेट को अगर आगे मोमेंटम दिया तो गन पे पीछे की तरफ मोमेंटम आएगा, या इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं कि जब बुलेट निकली तो बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगा तो गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव मान ले तो बुलेट का कितना हो जाएगा, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, बुलेट का मास है 5 ग्राम, उसको केजी में लिखेंगे तो 5/1000 kg, और वेलोसिटी कितनी आ गई 500, माइनस गन का ऑपोजिट में आ जाएगा, 5 kg में ही दे रखा है वो, इंटू वी, और इनिशियली तो जीरो था, तो एक 5 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 2 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 10 कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू वी, यानी कि वी इज इक्वल टू 0.5 m/s।
सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका इसका। चलो एक बार देख लो, तो क्या दे रखा है, अ मास एम मूव्स विद वेलोसिटी वी एंड कोलाइड्स इन इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल मास। ठीक है, तो कैसा कोलिजन हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विद वेलोसिटी इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो कोलिजन के बाद जो पहला मास है वो किस में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट मास मूव्स विद वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड मास आफ्टर कोलिजन। तो देखो क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है एम मास का जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक और पार्टिकल है एम मास का, ठीक है, विद अनदर आइडेंटिकल मास जो रेस्ट पे है। अब क्या करें, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो पहला पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर जाने लगा इनिशियल डायरेक्शन के, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी भी दे रखी है यहां पे वी बाय रूट थ्री, तो इसका भी हमें यूज करना है। तो दूसरे पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी, वो भी कुछ एंगल पे जाएगा, तो उसकी स्पीड मान लो कुछ हो गई वी डैश हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में। मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लू, इसको वाई डायरेक्शन मान लू, तो हम दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। और मुझे ये कुछ इसकी जो एंगल पे जाएगा, इसके मैं दो कंपोनेंट मान लेता हूं वेलोसिटी के, एक मान देता हूं वी एक्स डैश, एक बोल देता हूं नीचे की तरफ वी वाई डैश। ठीक है ना, वी डैश इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम इंटू वी एक्स डैश, क्योंकि पहले पार्टिकल का तो कोई मोमेंटम ही नहीं है एक्स के अलोंग फाइनली, और दूसरे पार्टिकल का है एम इंटू वी एक्स डैश, ये एम वी के बराबर हो जाएगा। यहां से वी एक्स डैश बराबर कितना आ जाएगा, वी, और ऐसी मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में कराएंगे तो ये आ जाएगा एम वी बाय रूट थ्री पहले पार्टिकल का ऊपर की तरफ माइनस एम वी वाई डैश नीचे की तरफ, तो माइनस कर दिया, और इनिशियली y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, m से m कट गया, तो v y डैश जो है ये आ गया v बाय रूट थ्री। सो v डैश जो है वो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, सो v डैश वुड बी अंडर रूट ऑफ v x डैश का स्क्वायर प्लस v y डैश का स्क्वायर। तो इन दोनों में से v तो कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है ना, v स्क्वायर यहां से आएगा v x डैश से, v y डैश से v आएगा, v स्क्वायर, v स्क्वायर बाहर लिया v आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस 1 बाय 3, 1 प्लस 1 बाय 3 इज 4 बाय 3, जिसका रूट क्या आ जाएगा 2 बाय रूट 3 इंटू v। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो देख लो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दो आइडेंटिकल मासेज हैं, एक पार्टिकल रेस्ट पे है, दूसरा पार्टिकल इस पार्टिकल की तरफ वी वेलोसिटी से आ रहा है, और कोलिजन के बाद पहला पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उससे 90 डिग्री के एंगल पे चला गया। तो पूछा जो दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे था कोलिजन के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी। अब देखो ये जो दूसरा पार्टिकल है इसको कुछ एंगल पे ही जाना पड़ेगा, क्यों एंगल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना है। तो इनिशियली y डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी y में जीरो होना चाहिए, तो अगर पहले पार्टिकल के पास y में कुछ मोमेंटम आ गया तो दूसरे पार्टिकल को उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसके पास नेगेटिव y में कुछ मोमेंटम होना चाहिए, और x का कंजर्व कराने के लिए इस दूसरे पार्टिकल के पास x में भी कुछ मोमेंटम होना चाहिए। तो इसलिए हमने मान लिया कि दूसरा पार्टिकल कुछ एंगल पे गया कुछ स्पीड v डैश से, जिसके दो कंपोनेंट कर दिए वी एक्स डैश एंड वी वाई डैश। अब हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, एक तो x डायरेक्शन में लगाया, तो x डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल दो या x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, तो पहले पार्टिकल का तो कोई मोमेंटम ही नहीं है x में, दूसरे का कितना हो गया m इंटू वी एक्स डैश, और इनिशियली इनिशियली पहले पार्टिकल के पास मोमेंटम था हॉरिजॉन्टल में x डायरेक्शन कितना mv,
तो यहां से सॉल्व करके वी एक्स डैश वी के बराबर आ गया। मतलब ये जो वेलोसिटी फाइनली आई इस पार्टिकल की, इसका एक कॉम्पोनेंट एक्स कॉम्पोनेंट वी एक्स डैश वी के बराबर आ गया। फिर हमने वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराया, तो y में फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, तो पहले पार्टिकल का m इंटू वी बाय रूट थ्री, वो पॉजिटिव में है, दूसरे का नेगेटिव में है, तो माइनस एम वी वाई डैश कर दिया, और इनिशियली कितना है जीरो, तो उसको जीरो से इक्वेट कर दिया, तो यहां से वी वाई डैश आ गया वी बाय रूट थ्री के बराबर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, 90 डिग्री पे दोनों ये कॉम्पोनेंट्स हैं, तो दो कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे अंडर रूट वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस अंडर रूट वी वाई डैश स्क्वायर विल गिव अस द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, सो वी विल गेट द आंसर एज 2 बाय रूट 3 इंटू वी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो, चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉम्ब ऑफ मास 16 केजी एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस ऑफ मासेस 4 केजी एंड 12 केजी, द वेलोसिटी ऑफ द 12 केजी मास इज 2 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। तो देखो ये भी है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ध्यान देना है, कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या देखा, एक बॉम्ब है जिसका मास है 16 केजी, जो किस पे था, रेस्ट पे था, ये दो पीसेस में एक्सप्लोड हो जाता है 4 केजी एंड 12 केजी के, वेलोसिटी ऑफ 12 केजी मास इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें दो मासेस में अगर ये डिवाइड हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व रखना है, पहले जीरो था बाद में भी जीरो होगा, तो 4 केजी को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और कितनी वेलोसिटी या स्पीड मान लो उसकी वी है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम ये स्पीड निकाल सकते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 12 इंटू 4, ये तो 12 केजी वाले मास का हो गया, माइनस 4 इंटू वी, 4 वाले का नेगेटिव डायरेक्शन में मोमेंटम है तो माइनस कर देंगे, और इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियली 16 केजी वाला रेस्ट पे था, ये 4 से 4 का कैंसिल हो गया फैक्टर, तो वी इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी आफ्टर एक्सप्लोजन 4 केजी वाले ब्लॉक की स्पीड कितनी आएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी पूछी थी उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी और वो भी अदर मास यानी कि 4 केजी वाले की, तो हाफ इंटू मास ऑफ 4 केजी इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर, तो हाफ से 4 कैंसिल करो क्या रहेगा 2, 12 का स्क्वायर इज 144, तो 288 वुड बी द आंसर। या ऐसा भी कर सकते थे कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, तो जितना मोमेंटम 12 केजी वाले का होगा उतना ही 4 केजी वाले का होगा, तो हम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, पी स्क्वायर बाय 2m, तो मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा, तो 12 केजी वाले का कितना मोमेंटम है 12 इंटू 4, तो हो गया 48, तो वही 4 केजी वाले का भी होगा, तो 48 का स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन मास किसका लिखना है, इसका 4 केजी वाले का, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी 4 केजी वाले की बता रहे हैं, बस हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि मोमेंटम दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, फाइनली भी मोमेंटम जीरो होना पड़ेगा, तो हम ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है यहां पर, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आगे। चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या करना है, तो क्या दे रखा है, अ 2 केजी ब्लॉक स्लाइड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक्स अ अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड कंप्रेसेस इट टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस, द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 15 न्यूटन एंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 10,000 न्यूटन पर मीटर, द स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे सरफेस है और रफ सरफेस है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो हम एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते, स्प्रिंग है इसका के दे रखा है 10,000, ठीक है, और एक ब्लॉक है 2 केजी का जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जब ये चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, कितना लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन,
तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, एक स्प्रिंग का फोर्स वर्क करेगा, बस यही दो फोर्स वर्क करेंगे। ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकल में लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है तो वर्क जीरो। नॉर्मल वर्टिकल में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में तो उसका भी वर्क जीरो। तो दो फोर्सेस का वर्क होगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे। अब मान लो जो स्प्रिंग है, और ये कब से बात कर रहे हैं कि जब स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हुआ, उसी को बेसिकली कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो मान लो स्प्रिंग में कंप्रेशन आता है x, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स का वर्क क्या हो जाएगा यहां पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 15 इंटू एक्स। काइनेटिक फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक बॉडी मूव कर रही है, और अगर वो एक्स मूव कर जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाएगा, माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यू इनिशियल तो जीरो ही हो गया, माइनस यू फाइनल, तो फाइनली कंप्रेशन आ गया एक्स, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम, एम कितना है टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज फोर का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अब यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गया माइनस 15x, या माइनस भी सब जगह से कैंसिल कर सकते हैं, माइनस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस हट गया, तो 15x प्लस k बाय टू, k है 10,000, 10,000 का आधा करोगे तो 5,000x स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 4, सर प्लस नहीं, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16। तो अब इस क्वाड्रेटिक का हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई एक्चुअली, फाइव थाउजेंड एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक बच्चे को डाउट है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे हो गई, तो देखो क्या बोला है, स्प्रिंग कंप्रेसेस बाय, स्प्रिंग कब तक कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग तब तक कंप्रेस करेगा जब तक ब्लॉक चलता जाएगा, जब तक ब्लॉक चलता जाएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाएगा, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा, जब ब्लॉक रुक जाएगा, रुक कर क्या होगा, फिर वापस उस पर अपोजिट में फोर्स लग जाएगा, हो सकता है वापस चला जाए, तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस जब होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी विल बी जीरो। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता ही हमको, तो ये क्वाड्रेटिक के हम रूल निकाल देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, माइनस 4ac, तो माइनस और एक माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4ac, तो 4 इंटू 5000 इज 20,000, 20,000 इंटू 16 इज 32,000 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 5000। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, लेकिन फिर भी इसमें हम देखें, तो पहली बात तो x नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, तो यानी कि यहां पे नेगेटिव साइन हम हटा सकते हैं, क्योंकि दो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर आंसर नेगेटिव दे देंगे, ठीक है। अब इधर देखें, 32,000 के कंपैरिजन में 225 क्या है, नेग्लिजिबल सही है, तो हम अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट वाली टर्म को रफली 32,000 के आसपास ही मान सकते हैं, एक मिनट, इधर अपने को 4ac करना था ना, सो दैट, ठीक है, तो ये आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस रूट ऑफ 32,000, तो कितना हो जाएगा ये, तो 1600 का रूट आ जाएगा 40, और 1600 के बाद हमको मेरे पास क्या बचा, अंडर रूट 20 बचा, ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर नीचे आ गया हमारे पास 10,000। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो रूट 20 की वैल्यू, जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये 4 पॉइंट अराउंड 6 के आसपास हम मान सकते हैं, 4.5 4.6 के आसपास, तो आंसर 0.5 के ऑर्डर के, तो 4.5 जैसा हम मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 15 प्लस 40 इंटू 4.5
डिवाइडेड बाय 1000। एक मिनट, कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने यहाँ गलत लिखा है, 32,000 नहीं आएगा, 320,000 आएगा। ओके लेट मी चेक, 16 × 4 इज 64, 64 × 5 इज 320, राइट, यू आर राइट, ओके 3 lakh, गुड, ये आएगा, राइट। सो व्हाट वी विल गेट देन, वी विल गेट 400√2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी 10,000 होगा, राइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, गुड, थैंक यू। चलो तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो -15 प्लस 1.2 इज 1.4 समथिंग होता है, तो उसको 1.4 के आसपास मान ले, डिवाइडेड बाय 1000। सो दिस वे वी कैन गेट द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, तो ऐसी कैलकुलेशंस भी कई बार आ जाती हैं, तो हमें करना आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल ये कि स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव क्यों है। देखो, स्प्रिंग का वर्क हमने बताया था कि कभी भी अगर स्प्रिंग का वर्क हमें निकालना है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये तो हमने बताया था। अब नेगेटिव क्यों हुआ, अगर लॉजिकली बात करें तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। अब स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, ब्लॉक को धक्का देगा। कहां की तरफ धक्का देगा, फोर्स लगाएगा लेफ्ट की तरफ। लेकिन ब्लॉक कहां की तरफ मूव कर रहा है, राइट की तरफ। तो स्प्रिंग ने फोर्स लगाया लेफ्ट, ब्लॉक जा रहा है राइट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना के फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। चलो अब ये क्वेश्चन कीजिए खुद से। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। क्या दे रखा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 2 m/s ऑन अ स्मूथ सरफेस। इट स्ट्राइक्स अनदर मास ऑफ 1 kg एंड देन दे मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी। द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन इज। तो वही है कि फिगर, हम इसको पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये ब्लॉक है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको 0.5 kg का। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है ये, 2 m/s से मूव कर रहा है। एक और ब्लॉक है 1 kg का, ठीक है, तो ये इससे स्ट्राइक करता है एंड देन दे मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी। कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको रेस्ट पे मान सकते हैं। तो अब ये सिंगल बॉडी, तो सिंगल बॉडी का मास कितना हो जाएगा, 1.5 kg, और इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v। तो ये वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 1.5 × v। ठीक है, इनिशियली कितना हो गया, 0.5 × 2, तो 0.5 से 1.5 काटोगे तो 3 आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2/3। ये वेलोसिटी आ जाएगी 2/3। अब क्या पूछा है हमसे, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। तो एनर्जी लॉस क्या होगी, एनर्जी लॉस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूं मास को, ठीक है, इंटू वी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 0.5 kg वाले की, 1 kg वाले की तो 0 ही है, माइनस हाफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल टोटल मास कितना हो गया, 1.5, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 2/3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा ये। तो ये हम सॉल्व कर दें तो 2 से 2, 4 से 4 कट गया, मतलब 1 आ गया यहां से, माइनस
फिर 2 × 2 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, सॉरी 3 × 3 = 9 आ गया, ठीक है। तो 1 − 1/3, तो दिस विल बिकम 2/3, 2/3 मीन्स 0.67 जूल, दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये करो क्वेश्चन, चलो तो देख लेते हैं एक बार क्या करना है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। तो टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मास 1 kg आर लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 N/m इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक बी कोलाइड्स विद ब्लॉक ए विद वेलोसिटी 2 m/s। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है ऐसे केसेस में, कि अगर दोनों ब्लॉक चल सकते हैं, देखो अगर एक फिक्स होता है स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग का अगर एक एंड फिक्स है और इधर से ब्लॉक आके टकराता है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या हो जाती है, ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, कि कंप्रेशन मैक्सिमम तब होगा जब ब्लॉक रुक जाएगा। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक चल सकते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हमें ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो होता है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन, अगर दोनों बंधे हुए हो तो सेम ही चीज एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई हो जाती है। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन और एक्सटेंशन बोथ द ब्लॉक्स हैव सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम हो जाएगी। तो ये एक अपने पास ए वाला ब्लॉक हो गया, ये बी वाला ब्लॉक हो गया, इसकी वेलोसिटी वी, तो इसकी भी वी हो जाएगी। ये वी हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं, दोनों का मास सेम है, अभी मैं मास को एम मान लेता हूं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 2mv, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया m इंटू टू, मास mm बोल रहा हूं मैं, और वेलोसिटी एक की 2 थी एक की 0 थी, तो m से m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू 1 m/s। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे बोथ दी ब्लॉक्स विल हैव सेम वेलोसिटी विच इज 1 m/s, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, अब मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे, u इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस के फाइनल। तो इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी किसकी कंजर्व करा रहे हैं, पूरे सिस्टम की कंजर्व करा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम में b की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ b का मास, b का मास कितना है 1 × उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो डायरेक्टली हम उसको 4 लिख दें। फाइनली अगर स्प्रिंग में एक्स कंप्रेशन आ गया तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल जो कॉमन सिस्टम है वो एक साथ चल रहा है, तो हाफ टोटल मास हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 2, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। तो ये सिस्टम की फाइनल एनर्जी हो जाएगी, जो फाइनली कॉमन वेलोसिटीज हो जाएंगी उन दोनों की, ठीक है, इस सिचुएशन में। अब हाफ का फैक्टर चाहे तो कैंसिल कर दो इधर तीनों जगह से, क्या जाएगा 4, 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, -2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है, k की वैल्यू हमें दे रखी है 200 है एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2/200, यानी कि 1/100, और x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, 1/10 मतलब पॉइंट, 1/10 आया ये मीटर में आया, ठीक है, तो सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 cm वुड बी दी आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक डाउट है कि V1 कैसे आया, V1 आया मोमेंटम कंजर्वेशन से, इधर पे हमने क्या किया है मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां पर दिस इज मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, दोनों का मास m है, कॉमन वेलोसिटी आ गई, तो mv + mv 2mv फाइनल मोमेंटम आ गया। इनिशियली a वाले ब्लॉक का तो 0 था, b वाले का ही पास ही था, तो b का मास भी m है,
उसकी वेलोसिटी कितनी है 2, तो m इंटू 2 से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो। चलो तो ये लगभग सब सही कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं कैसे इसको करना है। तो बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था, वैसे ही टाइप का है ये। तो एक बॉडी है, इसका मास दे रखा है m, रेस्ट पे थी, 3 पीसेस में एक्सप्लोड हो गई, टू ऑफ विच ऑफ मास m बाय 4 आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो दो m बाय 4 के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से और एक m बाय 4 का जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। द थर्ड पीस विल बी थ्रोन ऑफ विद अ वेलोसिटी ऑफ, थर्ड पीस कितनी वेलोसिटी से थ्रोन होगा। पहली बात तो उसका मास क्या होगा, तो इन दो m by 4 का टोटल मास हो गया m by 2, तो तीसरे का भी m by 2, टोटल मास एक तो कंजर्व रहेगा पूरा जो बॉडीज है उसका, तो उसका मास m by 2। अब वो कैसे जाएगा, अब उसको इस तरह से जाना है कि नेट मोमेंटम क्या रहे, जीरो ही रहे। तो उसकी एक वेलोसिटी तो नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब 3 वाले के ऑपोजिट होनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मास m by 2 है, मास में यहां ले देता हूं, इसका मास इज m by 2। तो इसकी एक वेलोसिटी 3 के ऑपोजिट में होनी पड़ेगी जिसको मैं v1 मान लू, एक 4 वाले के ऑपोजिट में होनी पड़ेगी जिसको मैं v2 मान लू। क्यों? क्योंकि नेट मोमेंटम जीरो करना है, तो x डायरेक्शन में भी जीरो होगा, y में भी जीरो होगा। तो अब x में मोमेंटम जीरो करोगे, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा फाइनली, तो m बाय 4 इंटू 3, ये तो हो गया m बाय 4 वाले पार्टिकल का, माइनस m बाय 2 इंटू v1, ये जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो v1 इज इक्वल टू 3 by 2, ठीक है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो 3 by 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही फिर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएंगे इन y डायरेक्शन, तो y में कितना हो गया m बाय 4 इंटू 4 माइनस दूसरे पार्टिकल का m बाय 2 इंटू v2, इसको जीरो करेंगे, इसमें भी m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये 2 से 4 भी कट गया, बचा 2, तो v2 आ गया 2, ठीक है। बस अब इससे हम क्या बताना है, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी, बेसिकली स्पीड ही बतानी है यहां पर, तो जो स्पीड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 9 by 4 + 4, तो अंडर रूट 25 by 4 आ जाएगा, विच इज 5 by 2, सो 5 by 2 मीन्स 2.5, तो ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो पार्टिकल्स का मोमेंटम निकाल देते, m by 4 का मोमेंटम निकाल देते, और इस मतलब उसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं मोमेंटम का, और उसको m बाय 2 से डिवाइड कर देते, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो नेट मोमेंटम आएगा, ठीक है, मतलब इन दोनों का नेट मोमेंटम आएगा कुछ इधर, तो तीसरे पार्टिकल उसको तभी बैलेंस कर पाएगा जब उसका मोमेंटम उतने ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो अगर इनका p इस तरफ है तो इसका p इस तरफ, तो इसका मोमेंटम निकाल लेते, कितना आ जाता उसका मोमेंटम, तो m बाय 4 तो कॉमन आ जाता मास, अंडर रूट ऑफ 3 square + 4 square, दैट इज 5 हो जाता है, तो m by 4 into 5, ये दोनों का मोमेंटम आ जाता जो दो पार्टिकल m by 4 मास के थे, ठीक है, और तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता, तो बस उसके मास से डिवाइड कर देते m by 2 से, तो भी आंसर आ जाता है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको करो। चलिए तो देखते हैं क्या करेंगे। तो अब वुडन प्लैंक ऑफ मास 20 केजी रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, अ मैन ऑफ मास 60 केजी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड, द
द लेंथ ऑफ प्लैंक इज 10 मीटर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर व्हेन द मैन रीचेज द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। देखो अब ऐसे केसेस में भी एक्चुअली मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास किस पे है, इनिशियली रेस्ट पे, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ही नहीं हो सकती। तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, RCM इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है और कोई फोर्स भी नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा पोजीशन कांस्टेंट रहेगी यानी कि डेल्टा RCM, चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगी, जीरो। अब RCM क्या होता है, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 इज इक्वल टू जीरो। ऐसे क्वेश्चन करने का ये एक तरीका होता है, और कोई पार्टिकल होगा तो प्लस M3 डेल्टा R3 भी आ जाएगा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये पर्सन क्या होगा, प्लैंक के रिस्पेक्ट में चल के आगे जाएगा, ये आगे जाएगा तो प्लैंक कहां जाएगा, वैसे पीछे जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि प्लैंक आगे ही गया। पीछे मानोगे तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बेटर है हम मान लें कि मान लो पर्सन के चलने से प्लैंक एक्स आगे बढ़ा, जब पर्सन कहां पहुंच गया, उसके दूसरे एंड पर पहुंच गया प्लैंक के, प्लैंक की लेंथ वही रहेगी 10 मीटर। अब पर्सन जो है उसका मास दे रखा है हमें 60 kg, प्लैंक का मास हमें दे रखा है 20 kg, ठीक है। अब किसी को भी हम M1 मान लेते हैं, हम पर्सन को M1 मान लेते हैं, प्लैंक को M2 मान लेते हैं। अब डेल्टा R यहां पे क्या हो जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा X हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। या इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा क्लियरली, तो ये आ जाएगा M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 इज जीरो। डेल्टा X क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसमें भी साइन का ध्यान रखना है। तो M1 हमने किसको माना, मैन को। अब मैन की फाइनल पोजीशन, मैं इसी को ओरिजिन मान लेता हूं, जहां पे ये प्लैंक का एक एंड था, मैन था इनिशियल, इसको ओरिजिन मान लो, तो मैन की फाइनल पोजीशन क्या हो गई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, एक्स प्लस 10, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ओरिजिन पे था तो माइनस जीरो। M1 डेल्टा X1 आ गया। M2 प्लैंक का मास M2 20, प्लैंक की फाइनल पोजीशन। अब देखो वैसे तो हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आगे बढ़ता है, ट्रांसलेशन करता है, तो उसमें जितना सेंटर का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही किसी एंड का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो हम सेंटर की बजाय किसी भी एक एंड को देख सकते हैं, तो हम किस एंड को देख लें, उसके लेफ्ट एंड को देख लें, ज्यादा कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। तो लेफ्ट एंड का फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, और इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना था, जीरो। तो ये M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। 20 और 60 काट हो गए तो ये 3 बच जाएगा यहां से, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ जीरो है इसलिए काट सकते हैं, ध्यान रखना कटता दोनों तरफ है, तो जीरो काटोगे तो जीरो ही रहेगा। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 30, और यहां से तो 20 कट गया, प्लस x इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 30, सो x इज इक्वल टू माइनस 30/4, माइनस 7.5 मीटर। अब माइनस क्या शो कर रहा है, कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी डिस्प्लेसमेंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑलरेडी हमें पता तो था ऑपोजिट में होगा, लेकिन कैलकुलेशन में हमें पॉजिटिव मानने में फायदा होता है। तो हम क्या बता सकते हैं कि प्लैंक जो है 7.5 मीटर पीछे जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स कैसे आया एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखो डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो M1 डेल्टा एक्स, मतलब M1 हो गया पर्सन, डेल्टा एक्स मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है ना। डेल्टा एक्स जो हम यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स का क्या मतलब है, डेल्टा एक्स का मतलब है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैन को पहले हमने ओरिजिन पे था मैन, फाइनली यहां पहुंच गया प्लैंक, एक्स आगे बढ़ गया और प्लैंक की लेंथ है 10 मीटर, तो मैन का फाइनली कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स प्लस 10, इनिशियली कितना था, जीरो। डेल्टा एक्स टू किसका है, प्लैंक का। तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक के हम लेफ्ट एंड को देखें तो वो इनिशियली ओरिजिन पे था, फाइनली उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स। तो डेल्टा एक्स टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस जीरो के बराबर आ जाएगा। इस तरह से हम डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।